अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कुछ डिज़ाइन तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिए थे जल्दी जल्दी से, और कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि वो आपको दिखाई देती हूँ। ये है जी मेरी वार्डरोब, आपने देख ली। इसमें से काफ़ी कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हुए हैं और कुछ रह गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, उनमें से ये डिज़ाइन ऐसा है जिसको एलेबोरेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, इसके वो, हाँ ये वाला दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, ये इसका प्लाजो है, ठीक है, प्लाजो बेस पे वर्क किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ऐसा, ठीक। और उसके बाद जी ये है इसकी शर्ट, शर्ट इसकी काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग में चलती हैं। ये मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ, बल्कि ये भी दिखा देती हूँ कि ये यहाँ तक है, काफ़ी लंबी है, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है, और गला इसका राउंड में ही है, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसके ऐसे हैं, सही समझ आ गई होगी अब। और ये यूं ही जो है वो 3 लाइंस लगी हुई हैं, सही। और ये इसका दुपट्टा है, इस दुपट्टे पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी जो है, हाँ ये तो मैं आपको दिखाने ही भूल गई। ये देखिए, ये साइड पे भी इसके जो है एक पैनल डाला हुआ है, और ये इसका कट है, ठीक है, जिससे ट्राउज़र पे कट था वैसे ही इसका यूं कट है, यूं है ये, सही। बाजू भी मैंने आपको दिखा दिए हुए हैं और आगे से दामन भी मैंने आपको दिखा दिया। ये इस ड्रेस की बैक साइड रही, बैक साइड पे भी इसी तरह लाइनिंग लगाई हुई है, और ये इस पे बॉर्डर है, सही। चलें जी, अभी हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया जी। तो नेक्स्ट की तरफ आते हैं, इसका कुछ भी नहीं है इतना कोई ख़ास दिखाने वाला, ये आपको मैं फिर दिखाऊंगी। अच्छा, इसका भी है, इस पे ये देखिए डोरी लगी हुई है, सही इसके स्लीव पे, और ये कुर्ता स्टाइल है। चलिए इसको दिखाती हूँ पहले मैं आपको जी। ये इसका राउंड में ही जो है वो राउंड नेक है, राउंड में गला बना हुआ है, ठीक है। ये इसके बटन है, बटन इसके मुझे बहुत पसंद है, और साथ में ये यूँ गली डली हुई है, कुर्ता स्टाइल है कुर्ता। तो ये देखिए, ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका कुर्ता है, सही जिस तरह बॉयज़ का होता है, और स्लीव्स भी इसके ऐसे ही हैं। दो इसकी लाइंस हैं वो डोरी की लगी हुई हैं, बस नेक पे लगी हुई हैं, और साथ में इसको इतना मैंने इनहेंस नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जितना है उतना ही अच्छा लग रहा है। साथ में इसके ट्राउज़र था, ट्राउज़र पे वर्क किया हुआ है, और दुपट्टा भी साथ के साथ मैं आपको दिखा दूँ। दुपट्टे पे यूँ लेस लगवाई हुई है मैंने, ठीक है जी। ये इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र देखते हैं, ये थोड़ा सा खुला मैंने बनाया हुआ, सही। और ये इस पे वर्क है, सही, विंडोज़ बनी हुई है। ये रेड वाला डिज़ाइन बहुत पसंद किया गया, और जो ये डिज़ाइन लेकर गए थे अगर उन्होंने इस तरह से बनवा लिया हुआ है सूट तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बल्कि मुझे दिखाइएगा भी कि कैसा बना हुआ है जी। एक और बात उन्होंने पूछी थी और मुझे याद आ गई अभी, मैं साथ के साथ जो है ना वो उसको फोल्ड भी करती जा रही हूँ जी। इसके बिल्कुल जिस तरह फ्रंट पे पैनल्स हैं ना, फ्रंट पे कलियाँ वो डाली हुई है कुर्ते वाली, वैसे ही बैक पे है। ये देखें, ये आपको दिख रही होगी, ये देखें ये लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल बॉयज़ के कुर्तों के जैसा ये कुर्ता है जी। आज का लास्ट एंड फाइनल सूट ये है, इसकी लुक पूरी मैंने उसकी आपको लुक दिखा दी, ओवरव्यू दे दिया। अभी चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ, ठीक है। और ये इसके खुले खुले यूं स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के ऊपर भी यूं ही राउंड जो है वो डिज़ाइन बना के लगाया गया हुआ है, ठीक है। एक ट्राउज़र का पीस है और एक जो है वो शर्ट का पीस है। डिज़ाइनिंग इसकी आपने देख लिया, ये सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ठीक है। और ये देखें, ये ना इसके बॉर्डर पे पीस था, और बॉर्डर जो था बॉर्डर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था,
ठीक, तो मैंने यूँ किया, बॉर्डर में से जो चीज़ मुझे जो डिज़ाइन अच्छा लग रहा था मैंने वो निकाला और ये साइड्स पे लगा दिया, तो चौक पे लगा दिया और ये राउंड डिस्क भी लगी हुई है। सही, जी, ये इसका कैप्री और ये इसका ट्राउज़र रहा। ट्राउज़र के ऊपर यूँ मैंने लेस लगा के हल्की सी डिज़ाइनिंग कर लिया। मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमीज़ पे डिज़ाइनिंग कर ली गई है, बस इनफ है इतनी। और जी चौक जो है मैंने वो काफ़ी छोटे रखे हुए हैं, ये देखें, यहाँ से चलते चलते ये एंड पे आए। हाँ जी, लॉन्ग शर्ट है ये भी, सही। ये देखिए इसका ओवरव्यू जी, दुपट्टे को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, ये देखें, और छोटी छोटी डिस्क जो है वो यहाँ पे लटक रही हैं और बड़ी वाली जो है वो कॉर्नर पे आई हुई है। मतलब ये एक कॉर्नर है, ठीक है, और इसके सेंटर में इस तरह से ये डिस्क लगाई गई हुई है, सही, दूसरी तरफ वो है और ये दोनों तरफ से जी। और ये सारे सूट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, कोई किसी ब्रांड का है, कोई कहीं मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है मैं पिक कर लेती हूँ। और चलिए सही है, मैंने तो बहुत मिस कर दिया यहाँ पे। और मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ, वार्डरोब अपनी क्लोज कर रही थी, समर की सारी जो कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट कुछ पैक हो चुकी हैं और कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब नेक्स्ट जो है विंटर कलेक्शन के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।